तो हेलो दोस्तों, वेद कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर कैसा भी पिंपल हो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी तरीके से पिंपल हो, किसी भी तरीके से दाग धब्बे हो, तो उसको हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं इस फोटोशॉप के जरिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इमेज आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने इसको रिमूव कर दिया है, इसके दाग धब्बे को, यहाँ पे पिंपल्स को किस तरीके से रिमूव कर दिया है। तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू दूसरे वाले फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये इमेज हो चुका है। आपको भी हम इस वीडियो में इसी तरीके से इस पिंपल को रिमूव करके बताने वाले हैं कि किसी भी इमेज का आप यहाँ पे पिंपल यानी दाग धब्बे को किस तरीके से आप हटा सकते हो फोटोशॉप के जरिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको भी इसी तरीके से इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी इमेज का पिंपल यानी दाग धब्बे को रिमूव किया जाता है फोटोशॉप के जरिए। तो हम इस इमेज को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आपको खाली स्थान पे डबल क्लिक करना है माउस का, और उस इमेज को लेके आ जाते हैं जिसमें किसी भी तरीके से दाग धब्बे लगा हुआ हो। तो हमने इस इमेज को यहां से सेलेक्ट किया, और ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। यहां पे इसके चेहरे पे कितना आपका पिंपल्स दिखाई दे रहा है। इस पिंपल को आज हम इस वीडियो में रिमूव करने वाले हैं, और इस फोटो को क्लीन करने वाले हैं पिंपल को हटा करके। तो इसका हम यहाँ से डुप्लीकेट बना लेते हैं इमेज का, और इसे पीछे वाले को यहाँ पे। इस पीछे वाले को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं किस तरीके से रिमूव होगा। तो हम आपको इस वीडियो में किस तरीके से इसे रिमूव किया जाता है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आपको सब पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ब्रश टूल दिखाई देगा होगा। दो यहाँ पे आपको हेलिंग ब्रश टूल में चले जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे एक दिखाई देगा हेलिंग ब्रश टूल और एक पैथ टूल्स। इसमें सबसे पहले वाले हेलिंग ब्रश टूल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ से जा करके हम इसके कुछ इस तरीके से इसके प्रीव्यू यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, अब जैसे ही हम यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लिख के देगा आल्ट क्लिक टू डिफाइन। तो हमें आल्ट के साथ इसे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको जहाँ पे इसका स्क्रीन खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, इसी खाली जगह पे हमें आल्ट बटन दबा करके, आल्ट बटन दबाएंगे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आपका बन के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आल्ट बटन जैसे ही हमने दबाया तो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आया, और हमें माउस का लेफ्ट बटन को इसी पे क्लिक कर देना है एक बार। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जहाँ पे पिंपल है इस वाले पे जा करके माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो आपका स्क्रीन था आ करके इस पिंपल वाले पे एडजस्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ का हम ले लेते हैं प्रीव्यू, उसका यहाँ से ले लेते हैं क्लोन इसका। तो हमने आल्ट बटन दबाया और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, और खाली जगह पे जहाँ पे पिंपल है इसी पे ले जा करके हमें कुछ इस तरीके से माउस को क्लिक कर देना है। फिर हम यहाँ पे खाली जगह पे एक बार क्लिक करेंगे माउस को, और यहाँ पे पिंपल पे ले जा करके क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसके बगल से ही हमें उठाना है किसी भी इमेज को। तो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ से हमने क्लिक किया और फिर पिंपल पे हमने क्लिक किया। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से इसका दाग धब्बा बहुत ही आसानी से हट रहा है। फिर हम यहाँ पे साइड में आल्ट बटन दबा करके क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, फिर इस पर हम क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसके डिफिनेशन कम कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे आल्ट बटन दबा करके एक बार क्लिक कर देना है, और इस पे ले जा करके फिर हमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इसमें आप देख सकते हैं और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसे रिमूव कर दिया इसके पिंपल्स को। अब यहाँ पे ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम आल्ट बटन दबा करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और फिर ला करके इसी पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से हम आल्ट बटन दबाएंगे और क्लिक करके फिर इसी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारा हट चुका है, और फिर हमें इसके साइड में जा करके यहाँ से आल्ट बटन दबाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसी पे हमें क्लिक कर देना है। तो ये आपका हट चुका है कुछ इस तरीके से।
फिर आपको यहाँ से भी इसको भी रिमूव करना है, तो यहाँ से हम आल्ट बटन दबा करके कुछ यहाँ से सिंपल उठा लेंगे और इस पर ले जा करके ड्रैग कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से माउस का बटन क्लिक करके आल्ट बटन दबा करके और यहाँ पे हमने कर दिया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ से सैंपल उठा लेते हैं, आल्ट बटन दबाना है, माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से सैंपल उठ जाएगा। फिर इस बटन को छोड़ देना है, फिर हमें माउस का लेफ्ट बटन ले जा करके इसी पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से सैंपल हम उठा लेते हैं, आल्ट बटन दबाना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, फिर ले जा करके पिंपल पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रीव्यू आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ से उठाना है आल्ट बटन दबा करके, फिर इसी पे ले जा करके हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से भी हम उठाएंगे आल्ट बटन दबा करके और फिर इस पे ले जा करके क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इमेज का, पूरे इमेज पे जितना पिंपल्स आप दिखाई दे रहा था, इस पिंपल्स को हमने बहुत ही आसानी से हेलिंग ब्रश टूल से हमने इसे रिमूव कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से इफेक्टिव वीडियो लेकर के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।